छह गेंदों पर 20 रन दरकार है, बॉलिंग चलाएंगे वसीम तक, कामयाब बॉलर वसीम। तीन गेंदों में 18 रन दरकार, सामने वाली टीम भी गैरत की गोली निकाली, अभी भी बैटिंग के लिए खड़े हुए हैं। दो बॉलों में 18 रन, फिर भी खड़े हुए टीपू के हम शक्ल खड़े हुए हैं। 18 रन दरकार है दो गेंदों पर। एक बार फिर वसीम दौड़ते हुए गए, बॉल कराएंगे, बढ़िया गेंद और इस तरह मैच जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सालार क्रिकेट क्लब। आज हम पान मंडी में फैमिली पार्क के बिल्कुल सामने खड़े हैं मैच खेलते हुए। आज सालारी बॉय टकराएंगे रॉयल इलेवन से। टॉस होने जा रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं टॉस पर। टॉस होने जा रहे, टॉस करेंगे तबरेज। तबरेज सिक्का उछालने के, रगड़ रहे उसको गर्म करते हुए। सिक्का उछाला, टॉस जीता है, चांद का नाम लिया है, टॉस जीता है तबरेज। तबरेज क्या करेंगे पहले? तबरेज लालची ने पहले फैसला किया है बैटिंग का। एक आशिकाना माहौल ड्रेसिंग रूम का, काफी कूल और रिलैक्स। लालच कोर बैट्समैन बिल्डअप खड़े हुए 70 महीनों के बाद अनिल की वापसी टीम में। ये दोगले इंसान है, दो जगह बैटिंग करेंगे और फील्डिंग नहीं करेंगे, भागेंगे। ये आए सिंध से हमारे कुछ मेहमान, स्पॉन्सर बाय चने चूर वाले भाई, सेकंड स्पॉन्सर बाय एसन वाजा मकिस्की। फील्ड को सेट करते हुए टीपू के हमशक्ल। ओपनिंग के लिए आए बैटिंग में जाबिर, और उनका साथ देंगे याया हुसैनी। फर्स्ट ओवर कराएंगे 365 विकेट लेने वाले साजिद मुल्ला, तंग पजामे के साथ। पहले ओवर की पहली गेंद, फर्स्ट इनिंग की फर्स्ट गेंद कराएंगे, सामना करेंगे जाबिर। बढ़िया ऊंचा स्ट्रोक, पटाखे वाली, और देखते क्या होता है। और एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की कॉल और बासानी दो रन। पटाखे वाला शॉट लगाते हुए जाबिर चौका हुआ, पहली गेंद पे लगा चौका जाबिर। तैयार गेंद कराएंगे मुल्ला, मुल्ला स्लो डिलीवरी देते हुए एक और पटाखे वाली शॉट और बढ़िया फील्डिंग, एक रन। कीपर और स्लिप के काफी कूल फील्डर। तीसरी गेंद का सामना करेंगे याया हुसैनी, दौड़ते हुए मुल्ला। मुल्ला ने गेंद कराई, स्लो डिलीवरी, अच्छा एक कट शॉट, लेकिन एक रन भागते हुए। जाबिर एक बार भी तैयार, ना दो के गुसल करके तंग पजामा पहनते हुए मुल्ला आए गेंद की, और बढ़िया शॉट और से घटिया फील्डिंग, हाथ में लगते हुए एक रन। मुल्ला बॉलर एक बार फिर फ्रोन के जमाने का पजामा पहनते हुए आए, दौड़ते हुए गेंद कराई याया को, याया का बहुत ही उम्दा शॉट और फील्डर उसके नीचे, और बढ़िया कैच। इस तरह याया का नाम शहीदों में लिखा जाएगा, आउट हुए याया की विकेट गिर चुकी है। सामना करेंगे जाबिर, और दूसरे स्ट्राइक पे स्वाले मोहम्मद, स्लो डिलीवरी और मुकम्मल तौर पर बीट हुए। जोरदार अपील, एम्पायर का इशारा नॉट आउट। एक ओवर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, वन डाउन बैटिंग के लिए आए स्वाले मोहम्मद। दूसरा ओवर करेंगे असद मल्लीरी लेफ्ट हैंड, स्वाले मोहम्मद बढ़िया एक दिफाई अंदाज में खेलते हुए एक रन छुड़ाते हुए। असद मल्लीरी जाबिर का सामना, उस इतवार को असद मल्लीरी के साथ टिकटॉक भी बनाया था जाबिर ने। ऊंचा शॉट लगाने के साथ बेइज्जतों की तरह बोल्ड होते हुए जाते हुए, एक बार फिर बेइज्जत होते हुए शहीदों में नाम लिखा जा रहा है। दो शहीद हो चुके जवान, किसी पे भरोसा न करते हुए कप्तान खुद आए बैटिंग के लिए वसीम। वसीम जाने जाते इसी सिचुएशन में बैटिंग के लिए, कीपर काफी कूल गुटका चबाते हुए। असद मल्लीरी सामना करेगा वसीम कप्तान, बढ़िया गेंद और उससे बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश। कंधे पे बोझ लेते हुए वसीम तैयार, असद मल्लीरी को ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन पाइन प्लेक्स में लगते हुए, पेना प्लेक्स में लगते हुए माजरत, और एक रन। सालारी बॉय को दो विकेटों का झटका लगा, दो विकेटें जल्दी गिर चुकी हैं। कंधे पे बोझ लेते हुए स्वाले मोहम्मद, फुल टॉस को डिफाई अंदाज में खेलते हुए रन आउट हो सकते हैं, देखते हैं क्या। और सेफ, स्वाले को मिली नई जिंदगी। स्वाले मजक का घोड़ा छोड़ के आए, वाइट का इशारा देते हुए। असद मल्लीरी दौड़ते हुए, स्वाले मोहम्मद ऊंचा शॉट लगाते हुए विंडो में लगा और बॉल आया मुल्ला के हाथ में, एक रन। दो ओवर 12 रन 2 विकेटों का नुकसान। वाजा मकिस्की गैर मौजूद अपने भाई का शरबत बेचते हुए जाबिर। तीसरा ओवर करेंगे शादाब, शादाब गेंद करेंगे स्वाले मोहम्मद को, कट शॉट लेते हुए एक रन आसानी कंप्लीट किया। दूसरे रन के लिए मजक का घोड़ा दौड़ते हुए और रन आउट हुए स्वाले मोहम्मद, बड़ी विकेट स्वाले मोहम्मद आउट होते हुए। स्वाले की विकेट गिर चुकी है, सामना करेंगे वसीम। लेग स्पिन कराते हुए एक और अपर कट मारते हुए गेंद पानमंडी पार्क के अंदर, वसीम सारा कंधे पे बोझ लेते हुए बड़ा शॉट, ऊंचा शॉट, गेंद गया सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। वसीम अपनी बाएं और हाथ खोलते हुए एक और गेंद और एक और अपर कट मारते हुए गेंद गया सीधा पार्क के अंदर। वसीम जाने जाते सिचुएशन में बैटिंग के लिए, वसीम एक बार फिर तैयार, रोते हुए कीपर के मेरे वीडियो पे तनकीद करते हुए, तेरा टाइम जाया करते हुए, टाइम अगर तुम उधर जाया ना करते, काफी एतराज करते हुए गुटका चबाते हुए ये। एक बार फिर वकीम तैयार, गेंद कराएंगे, बॉलिंग का ओवर खत्म ना होते हुए और इसी का जवाब देते हुए छक्का, 6 रन।
इस ओवर में दो छक्के लगाए वसीम ने, 3 ओवर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ड्रेसिंग रूम में काफी कूल माहौल। 4 महीने 10 दिन का इद्दत पूरा करने के बाद अनिल आए बैटिंग के लिए। काफी महंगा ओवर साबित हुआ। शादाब का फरमाइशी बॉलर लाया गया अनिल, एक वाइट का इशारा। अनिल टीम में कमबैक करते हुए एक और वाइट, वाइट के साथ एक रन चुराते हुए इस तरह वसीम हुए रन आउट। बड़ी विकेट मिली, घटिया कॉम्बिनेशन की वजह से वसीम रन आउट हुए। नए आने वाले बैट्समैन सईम, पहली बॉल अच्छा शॉट मारा और रन आउट होने का था। रन आउट हो सकते लेकिन रन आउट नहीं। रन आउट होने के बाद वसीम का अनिल ने रन आउट करवा दिया, लेकिन ये कट शॉट मारने की कोशिश टोटल बीट। मुझे लगा कि ये बीट होगा, लेकिन अनिल जो है आउट हो गए पवेलियन की राह पे जाते हुए। कैमरामैन खुद बैटिंग के लिए गए हुए हैं। गनी अपना पहला बॉल फेस करते हुए और ये कट शॉट से पहले वसीम ने 2 छक्के मार के जो है स्कोर बोर्ड को 12 से 28 तक ले गए। और ये गनी अपना बॉल फेस करते हुए उड़ता हुआ शॉट, उड़ता ही 11 बॉल और ये 2, 3, 4, 5 कितने रन बनते हैं, बन सकते हैं, लेकिन 2 रन बने। ओवर की समाप्ति हो गई। सईम इधर आ गए और सईम पहला बॉलर को पहला बॉल फेस करते हुए अच्छा शॉट, रन हो सकता है, रन आउट। ये सईम हो गया रन आउट। शुक्रिया अदा करता हूँ असम का, असम ने मेरी गैर मौजूदगी में ब्लॉक बनाया, मैं रन आउट हुआ। बड़ी विकेट मिली। नए आने वाले बैट्समैन है जंबो, जंबो जाने जाते इसी सिचुएशन में। असद मलेरी गेंद कराएंगे, 9 बॉल का इशारा देते हुए गनी सामना करेंगे असद मलेरी का। असद मलेरी को ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश में बीट हुए। गनी काफ़ी बॉल बीट करते हुए एक बार फिर गनी दिफाई अंदाज में खेलते हुए और गनी की विकेट जा चुकी। दो गला पॉलिसी खेलने वाले शख्स आए बैटिंग के लिए। ये शख्स 2 जगह बैटिंग करके भाग जाते हैं भगोड़े। एक बार फिर मलेरी का सामना करेंगे नवीद। नवीद बल्ले का बाहरी किनारा लगते हुए 1 रन चुराते हुए मलेरी जो है गेंद को पिरकी करते हुए बैट्समैनों को परेशान करते हुए। बढ़िया गेंद नवीद, इससे बढ़िया नवीद की रनिंग। बॉल मारा जंबो को, 5 ओवर 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। छठे ओवर का सामना करके जंबो अपने नन्हे मुन्ने कंधों के साथ ऊंचा शॉट और कैच आउट हुए। सारा बोझ नवीद के नन्हे मुन्ने कंधों पर। एक और वाइट, वाइट के साथ 1 रन भागने की कोशिश, लेकिन तबरेज अपनी बगले फैलाते हुए वाइट का इशारा देते हुए। बॉलर का नाम नहीं पता, उसका शनाख्ती कार्ड मैंने नहीं बनाया। एक बार फिर नवीद अपर कट लेते हुए 1 रन हो सकता था लेकिन सेफ। नवीद तैयार सामना करें बॉलर का, बढ़िया शॉट लगाने के लिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा सेफ। नवीद का भी कंफ्यूज, वो शॉट नहीं लगा। मामा ने गंद करते हुए लेवा लाते हुए पिच पर डटे हुए नवीद तन्हा अकेला सिपाही। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और 1 ही रन और असम सेफ। नया आने वाले बैट्समैन ने असम सारा बोझ लेते हुए सोलो डिलीवरी देते हुए और बीट हुए। 6 ओवर 40 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। पहला ओवर कराया था कामयाब बॉलर मुल्ला, सामना करेंगे नवीद, एक उम्र के खिलाड़ी। और ऊंचा शॉट, उससे बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया साजिद मुल्ला। एक बड़ी विकेट मिली नवीद की सूरत में। असम सामना करेंगे उसका, वाइट का इशारा देते हुए नवीद। मुल्ला दौड़ते हुए आए गेंद कराएंगे असम को। असम तैयार और ऊंचा शॉट असम का, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं क्या होता है, दीवार पे लगा, डिसीशन क्या होगा। 1 रन कंप्लीट किया, 2 रन की कॉल, 3 रन की कॉल। बहुत ही उम्दा शॉट मारा असम ने लेकिन 2 रन दिया है। एक बार फिर साजिद मुल्ला स्लो डिलीवरी देते हुए और असम को बोल्ड कर दिया। नए आने वाले बैट्समैन है दुर मोहम्मद। दुर मोहम्मद का ताल्लुक उनके वालिद साहब एक मशहूर जमाना फिट बॉलर हैं। बढ़िया शॉट दुर मोहम्मद ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए 1 रन बआसानी बनाते हुए 2 रन की कॉल, 2 रन। मेरे ब्लॉग में कभी आज तक नहीं हो कि ऑल टीम सालारी बॉय आउट हो, लेकिन आज ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। स्लो डिलीवरी, उससे भी ऊंचा शॉट, 1 रन की कॉल, 2 रन बआसानी बनाते हुए। कोटा सिक्का काम आया दुर मोहम्मद की सूरत में। एक बार लास्ट गेंद दुर मोहम्मद का स्लो डिलीवरी देते हुए और वाइट का इशारा। मुल्ला अपने काते का आखिरी गेंद कराते हुए सामना करेंगे दुर मोहम्मद। स्लो डिलीवरी, बल्ले का बाहरी किनारा लगते हुए 1 रन। बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग बैटिंग दुर मोहम्मद की जानिब से। मैच देखने आए सिंध से हमारे कुछ मेहमान। लास्ट ओवर तन्हा अकेला दुर मोहम्मद डटे हुए। बॉलर गुटका चबाते हुए गेंद कराएंगे दुर मोहम्मद को। बढ़िया शॉट, 1 रन बआसानी बनाते हुए रन आउट हो सकते हैं लेकिन रन आउट। बगैर गेंद खेले हुए पवेलियन जाते हुए पूरा अपने मैच देखा और पूरी सालारी बॉय 49 पर ढेर हो गई है। अब उनको टारगेट है 50 रन का। काफ़ी एक मातम वाला माहौल,
ब्लॉग पता नहीं मैं बना सकूंगा नहीं सकूंगा, क्योंकि हमारी होगी फील्डिंग, बॉलिंग भी करना पड़ेगा, जिम्मेदार है ना, बॉलिंग भी करना पड़ेगा। मैच काफी रोमांचक में पहला इनिंग आपने देख लिया, दूसरे इनिंग का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरी फील्डिंग थी, अभी लास्ट ओवर चल रहा है, मैच काफी सनसनी खेज है, 6 बॉलों पे 20 रन दरकार है। चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैच पर बॉलिंग चलाएंगे। वसीम, क्या वसीम अपनी टीम को बचा पाएंगे नहीं, इसके देखना पड़ेगा। मैच 1 ओवर का वीडियो बनाऊंगा और आप वीडियो को देखिए। 6 गेंदों पर 20 रन दरकार है, बॉलिंग चलाएंगे वसीम, कैप्टन वसीम दौड़ते हुए गए, बॉल कराएंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, बढ़िया गेंद, बॉल आते हुए गनी के पास, बढ़िया फील्डिंग है, रन आउट हो सकता था लेकिन मिस हुआ। दूसरा गेंद कराएंगे वसीम, दौड़ते गए वसीम ने गेंद कराई दूसरी, बढ़िया गेंद, मुकम्मल तौर पर बीट हुए, रन आउट हो सकता है लेकिन रन आउट होते नहीं, और ये डॉट। अब तक कामयाब बॉलर वसीम, इससे पहले गनी ने भी बहुत बढ़िया ओवर चलाया। वसीम एक बार फिर बढ़िया शॉट, 3 गेंदों में 18 रन करका, सामने वाली टीम भी गैरत की गोली निकाली, अभी भी बैटिंग के लिए खड़े हुए हैं, 2 बॉलों में 18 रन फिर भी खड़े हुए, टीपू के हम शक्ल खड़े हुए हैं, 18 रन दरकार हैं 2 गेंदों पर। एक बार फिर वसीम दौड़ते हुए गए, बॉल कराएंगे, बढ़िया गेंद, और इस तरह मैच जीत गए। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, कम टारगेट था लेकिन फिर भी बढ़िया बॉलिंग की, गनी वसीम असम और जम्बो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मैच हम जीत चुके लेकिन सीरीज हो गया बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा बहसबाजी हो रहा है टीम की जानिब से, किसकी गलतियाँ, एक दूसरे को कोसते हुए हम करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। इस तरह अपने ब्लॉग पर यूट्यूब में अपने प्यार का इजहार कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इतवार पर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।